हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई हमारा जो हमने अर्लियर वीडियो में क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। जो हमारे पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के होते हैं, इसके जो होते हैं ये तीनों जो बताए थे कल, क्या बताए थे भाई? एक्सटर्नल जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होता है उसमें ये अप्लाई होते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? अब सबसे पहले करता हूँ भाई स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले ये टर्म लेके आता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है, स्टैटिक मतलब एक जगह रेस्ट पोजीशन पे। कहने का मतलब अगर मैं क्या करूं भाई, आपने कोई ऑब्जेक्ट ली, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ले ली ओ, अब यहां पे ये कोई भी सरफेस है, अब यहां पे आप क्या कर रहे हैं, कोई भी अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी अप्लाइड फोर्स जो आपने फोर्स लगाया है, मान लिया पी, मान लिया आपने कोई भी ऑब्जेक्ट कोई फोर्स लगाया, ये क्या है भाई? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब यहां पे क्या करेगा, ये अप्लाइड फोर्स है, अब जो अपोजिट डायरेक्शन में जो लगेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो क्या करता है, अपोज, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने मान लिया कि अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो मान लिया एफ। एफ का मतलब है यहां पे क्या, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब अगर बॉडी को अगर रेस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके चलता हूं तो ये इसका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आर मतलब क्या है भाई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एंड अब आर जो है वो किसके बराबर, अगर मैं दोनों को बराबर करूंगा तो किसके बराबर होता है, जैसे लिफ्ट के केस में किया था, देन ये हमारे पास वेट, वेट मींस एम जी, मतलब आर इज इक्वल टू एम जी के बराबर है, एक स्टैटिक पोजीशन में है। अब अगर कोई फोर्स आपने अप्लाइड किया है इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन आपके पास क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब मैं क्या कह दूं कि आपने जो अप्लाइड फोर्स लगाया है ऑन एनी ऑब्जेक्ट, the applied force on any object is equal to the friction force, means the position of the body is at rest, कि आपके पास body है वो ना तो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, तो वो आपके पास क्या है, वहां पे static friction। It means मैं अगर बताऊं आपके पास कि अगर friction force किसके बराबर आ जाता है, जो applied force हुआ है on any object, तो ये आपके पास क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो जीरो वैल्यू मूव करेगा, जहां पे है वहीं पे ही रहेगा। क्लियर है? तो ये तो आपके पास आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन के टर्म में आप लिख सकते हैं, दिस इज द अपोजिंग फोर्स, ये क्या है, ये वो अपोजिंग फोर्स है, दिस इज द अपोजिंग फोर्स that comes to play when, कब, ये जब जो opposing force है वो आएगा when क्या करे, the object or the contact force is equal to the applied force। कहने का मतलब क्या कह रहा हूं कि आपके पास this is the opposing force that comes into play when they contact। कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है कि आपके पास ये अर्थ सरफेस था, ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो कॉन्टेक्ट में आ रहे थे, अगर वहां पे कोई रेस्ट पोजिशन में आता है तो आपके पास क्या आता है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा। क्लियर है? उसके बाद आता है आपके पास क्या भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बताया, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताया कि ये वो पॉइंट है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं, आप क्या करें भाई, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि आपके पास 45 या 50 किलो का कोई भी पत्थर है, या ठीक है, अब क्या करते हो उसको रोल करते हो, तो रोल जो मतलब उसको धक्का लगाते हो, धक्का लगाने के बाद क्या होगा, अब कई देर तक आपके कोशिश करने के बाद, मतलब ऐसा कई बार होता है ना कि हम कई देर कोशिश करते हैं उसके बाद थोड़ी देर मूवमेंट दिखाता है, तो कहने का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वही है कि दिस इज द वर्ज पॉइंट। कहने का मतलब वो वर्ज पॉइंट है, वो फाइनल पॉइंट है कि जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास क्या आ जाए, मोशन में आ जाए, या फिर आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वहां पे कम हो जाए और जो आपके पास जो अप्लाइड फोर्स किया है वो ज्यादा हो जाए। तो ये क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, दिस इज द वर्ज, दिस इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले दैट द वर्ज ऑफ द पॉइंट।
जो आपके पास बढ़ जाता है पॉइंट का, जैसे मैं ग्राफ से बताऊंगा आपके पास, कहने का मतलब अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ये ग्राफ लिया, ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपके पास मूवमेंट दिखाएगा, क्लियर है। अब ये तो आपके पास मान लिया कि इस पॉइंट तक, एम पॉइंट तक तो था स्टैटिक पोजीशन में, मैं यहाँ पे डालता हूं भाई, ये आपके पास मान लिया स्टैटिक पोजीशन में, क्लियर है। अब यहाँ पे ये वर्ज पॉइंट आ जाए, ये वर्ज पॉइंट आ गया, दिस इज द वर्ज पॉइंट, ये यहां से यहां तक ये जो आया है, ये आपके पास बनता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, क्या बनता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, दिस इज द वर्ज पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, ये आपके पास उन दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट का फोर्स है जो वर्ज पॉइंट पे आके क्या करता है, बॉडी को मूवमेंट करता है। फिर आता है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई, जैसे नेम से ही हो रहा है कि अब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि दिस इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑन द मूवमेंट, कि आपके पास क्या आ जाए, अब वो आपके पास मूवमेंट करे या फिर चलने के लिए बाधित हो जाए, ठीक है। जैसे मैं इसी ग्राफ से अगर मैं आपके पास बताऊं, कहने का मतलब ये आपके पास मान लिया कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लग गया, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अपवर्ड में जा सकता है, डाउनवर्ड में जा सकता है, ठीक है, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही आपके पास मूवमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब बताया, काइनेटिक का कहूं कि एफ इज इक्वल टू, एफ इज नॉट इक्वल टू द पी, कि आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन हो जाए फ्रिक्शन फोर्स के। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, आप अगर टायर को लेते हैं तो टायर को आपने रिवॉल्व किया, तो रिवॉल्व करने के बाद आप उसके पास फोर्स लगाते हैं तो आपका फोर्स ज्यादा है और जो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है, मतलब जो मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो आप क्या आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट में, मतलब कॉन्टेक्ट में तो है बट क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्लियर अभी, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन में ही आपके पास दो चीजें और बताई भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें दो चीजें और आती है, काइनेटिक में मतलब जो मेरे पास मूवमेंट आता है, तो दो टर्म से और बताई गई, एक तो मैं बोलूं आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा आपके पास मैं अगर बोलूं क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। नेम से ही क्लियर हो रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का क्या बताऊं कि दिस इज द अपोजिंग फोर्स, ये वो अपोजिंग फोर्स है, दिस इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन, कब, वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द अदर बॉडी, कि आपके पास क्या बताना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे रोलर होता है भाई, जैसे जो क्रिकेट मैच होते हैं तो वहां पे जब कोई भी पिच बनानी होती है तो उस पर क्या करते हैं, जो रोलर मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो स्लाइडिंग, या फिर मैं कहूं कि आप एक किसी मतलब भाई किसी भी ऊंचाई से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब घिसटा के आता है, मतलब जो स्लाइड करके आता है, घूम के आता है, रिवॉल्व करके, जैसे ड्राम की बात करूं, ड्राम को आप किसी हाइट से छोड़ देते हैं तो आपके पास क्या करता आएगा, रोलिंग करता हुआ आएगा, मतलब स्लाइड करता हुआ आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन आवर व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द अदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर मैं बात करूं रोलिंग फ्रिक्शन की, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, दिस इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज, अब यहाँ पे स्लाइडिंग की बजाय आपके पास क्या आ जाएगा, रोलिंग, जो आपके पास रोलिंग करता है, जो आपके पास रोल करता है, जैसे मैंने ड्रम का बताया वो रोल करके आपके पास आएगा ऑन द अदर बॉडी, तो वो आपके पास क्या होता है, अपोजिंग फोर्स। अब इसी टाइप पे बताया गया भाई लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अब तीन लॉ बनाए गए आपके पास, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तीन लॉ बनाए आपके पास यहाँ पे, क्या आपके पास आता है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में तीन पॉइंट बताया आपके पास, फर्स्ट क्या बताया, दैट द फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक, मतलब द, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एफ के, मतलब क्या कि द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फोर्स, आर का मतलब क्या है यहाँ पे, आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्लियर है भाई, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल के डालता हूं तो आपके पास क्या बनेगा, एफ के इज इक्वल टू में म्यू
और यहाँ पे क्या डाल दूं, काइनेटिक का तो म्यू के डाल दूं, देन आपके पास एक फॉर्मूला बन गया दैट एफ के इज इक्वल टू में म्यू के इनटू में आर। तो ये एफ के और आर तो पता है, बट म्यू के की बात करूं तो म्यू के है आपके पास क्या, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ये म्यू के, जो आपके पास नोटेशन आई है, जो प्रोपोर्शनलिटी अटैक हमने यूज किया है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकंड क्या बताया कि ये एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। थर्ड नंबर पे जो आपके पास बताया काइनेटिक फ्रिक्शन की, वो आपके पास कहने का मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन। ये नहीं है कि कोई गाड़ी तेज चल रही है तो आपके पास जितनी ज्यादा रोटेशन करेगा, जितनी ज्यादा रिवॉल्व करेगा तो आपके पास उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, नहीं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो कहने का मतलब आपके पास तीन काइनेटिक फ्रिक्शन के फोर लॉज बताए, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, F k is equal to mu k r, mu k is equal is the coefficient of kinetic friction. Second बताया कि area पे depend नहीं करता, third बताया आपके पास independent of the rotation. अब आपके पास मैं cars बताता हूँ कि आपके पास rolling जो आपके पास वो होता है, जैसे गाड़ी चल रही है, टायर चल रहा है, ट्रक चल रहा है, तो हमारे पास मैं cars बताता हूँ कि rolling friction में कैसे मदद करता है। अब अगर मैं बात करूं कि हम क्या कहते हैं भाई कि टायर में प्रॉपर हवा, मतलब जो एयर होनी चाहिए, जो हवा होनी चाहिए टायर में वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे जैसे जैसे मतलब उसका एरिया, मतलब वो अब क्या होता है, जब बिल्कुल हवा फिल हो जाती है, इन्फ्लेटेड हो जाती है, तो वो टायर अब क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है। कैसा बन जाता है, हार्ड बन जाता है, जिसकी वजह से जो आपके पास जो एक फोर्स अराइज करते हैं दोनों के बीच का, जो कॉन्टेक्ट होता है, जो रोड होता है आपके पास, वो कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाई करता है, तो आपके पास क्या होता है, टायर खुल जाते हैं। अब जो हार्ड हो गया, हार्ड होने के बाद वहां पे क्या होगा, वहां पे एडहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स हो गया कम, ठीक है, एडहेसिव फोर्स कम हो गया, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया कि हमने प्रेशर का पढ़ा था, एडहेसिव प्रेशर दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसी वजह से प्रेशर भी कम हो गया, जिसकी वजह से वो आपके पास इजीली मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन का आता है, क्या कि आपके पास टायर में जो हवा होती है वो प्रॉपर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपके पास वो हार्ड होता है, हार्ड बना देता है, हार्ड बना देगा जिसकी वजह से आपके पास एडहेसिव फोर्स लेस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आता है हमारे पास लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज भी होता है, वो चार लॉज बताए भाई, क्या बताए, अब आपके पास लॉज बताए गए भाई किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज बताए गए, क्या बताएगा, पहला सेम बताया जो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए यूज किया था, दैट द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, नॉर्मल रिएक्शन के, देन एफ इज इक्वल टू में म्यू आर, देन म्यू इज द कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन म्यू आपके पास क्या है, कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं एक चीज और देखूं, दैट एफ का मतलब अगर मैं बात करूं तो एमजी हो जाएगा, मतलब वेट, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को अगर आपको वहां पर धकाना है या फिर लेके चलना है तो आपके पास ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास अगर मतलब लोअर बॉडी है, कहने का लोअर बॉडी का मतलब आपके पास हल्की कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइटर बॉडी है, अगर उसको मूवमेंट देना है तो आपके पास कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सेकेंड फोर्स की अगर मैं बात करूं, सेकेंड लॉ की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, दैट द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स एज टेंजेंशियली, वो आपके पास हमेशा टेंजेंशियली एक्ट होता है ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट, कि आपके पास जो कॉन्टेक्ट सरफेस हो रहा है वहां पे वो टेंजेंसी एक्ट करता है, कहने का मतलब द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ये तो हर चीज के लिए होता है कि आपके पास जो अपोजिंग फोर्स रहेगा दैट विल बी द इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड इन द
फ्रिक्शन, ठीक है। थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो थर्ड केस में आपके पास क्या बताया, थर्ड केस में वही काइनेटिक फ्रिक्शन वाला, दैट इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है भाई, ये एरिया पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, जो कि मैंने रीजन बताया था किसके लिए, जो आपके पास रीजन होता है कि वहां पे एडहेसिव प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे फोर्स अप्लाइड नहीं हो पाता। फोर्थ अगर मैं बात करूं, जो मेन पॉइंट आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन में, वो क्या आता है कि नेचर ऑफ द मेटीरियल ऑफ कॉन्टेक्ट, नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ कॉन्टेक्ट, कि आपके पास जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो आपके पास किस मटेरियल का है, कहने का मतलब वो पॉलिशिंग सरफेस है, एक्स्ट्रा स्मूथ है या रफ है, जो भी आपके पास मटेरियल है जिसके साथ वो कॉन्टेक्ट बन रहा है उसका नेचर किस टाइप का है, तो वो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके पास लास्ट बताया मैंने आज, जो कि होते हैं किसके, काइनेटिक फ्रिक्शन के और लिमिटिंग फ्रिक्शन के। अब